बॉक्स से उस तीखी मिर्ची को बाहर निकालने का वक्त हो गया है जिसके मुंह में आते ही पूरी पार्टी का मजा किरकिरा हो जाता है। हालांकि कई बार इस मिर्ची की जलन पार्टी के होस्ट पर भारी पड़ जाती है। ठीक उसी तरह कंगना रनौत की बेबाक बयानबाजी भी फिल्म जजमेंटल है क्या पर भारी पड़ती दिख रही है। तो हमारा दुश्मन बन गया यार, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ? सच लिखते हो यार। कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो, इतना गंदा सोचते कैसे हो? You have the prejudice of whatever I say. And twist it, so I cannot talk to you. That's all I'm trying to say here. I know how you're harming my brand. So I'm not interested in talking to you. It is my prerogative as a woman, as a star. It is my prerogative. You cannot force your question on me. एक गाने के लॉन्च के मौके पर कंगना रनौत का ये अंदाज देखकर हर कोई हैरान था। कंगना एक पत्रकार पर बुरी तरह भड़क उठी। उस दौरान उन्होंने सारी हदें पार कर दी। बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ? सच लिखता हूँ यार। कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो, इतना गंदा सोचते कैसे हो? फिल्म जजमेंटल है क्या के गाने की लॉन्चिंग के मौके पर कंगना की एक पत्रकार से तीखी तकरार और फिर सोशल मीडिया पर उनकी बहन का मीडिया पर हमलों का नॉनस्टॉप सिलसिला अब कंगना पर भारी पड़ गया। कंगना की बदसलूकी से नाराज होकर एंटरटेनमेंट की खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों के संगठन EJGI यानी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट गिल्ड ऑफ इंडिया ने उन्हें बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है और फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर को भी एक चिट्ठी के जरिए इस फैसले की जानकारी दे दी गई है। EJGI ने कंगना के बहिष्कार का फैसला किया है। उन्हें किसी तरह की मीडिया कवरेज नहीं दी जाएगी क्योंकि उन्होंने फिल्म जजमेंटल है क्या के एक गाने के लॉन्च के दौरान एक पत्रकार पर अपने खिलाफ बदनाम करने की मुहिम चलाने का आरोप लगाया। यही नहीं, एंटरटेनमेंट पत्रकारों के संगठन ने फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर से इस घटना की और खास तौर पर कंगना की निंदा करते हुए एक बयान जारी करने की भी मांग की है। भले ही एकता कपूर अपनी फिल्म को बचाने के लिए पत्रकार पर कंगना के हमले पर माफी मांग भी ले, लेकिन कंगना की ओर से इस मुद्दे पर माफी मंगवा पाना फिलहाल तो नामुमकिन ही दिख रहा है, जिसका इशारा कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने एक ट्वीट के जरिए एक बार फिर मीडिया पर तीखे हमले करते हुए कर भी दिया। एक बात का मैं वादा करती हूँ कि इन बिकाऊ नंगे देशद्रोही देश के दलाल मीडिया वालों को कंगना से माफी तो नहीं मिलेगी, मगर वो तुमको धो धोकर सीधा जरूर करेगी। बस इंतजार करो और देखते जाओ, तुमने गलत इंसान से माफी की मांग की है। यही नहीं, कंगना के इससे पहले कई मौकों पर दिए बयान भी यही इशारा कर रहे हैं कि उनसे माफी की उम्मीद करना बेईमानी है। ये फालतू का ईगो इशू मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को सॉरी वॉरी कहने के लिए